यशोधरा नगर पुलिस ने गश्त के दौरान मिली जानकारी के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 8 जुआरियों को दबोचा। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेन क्रमांक 02511 गोरखपुर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में मिले लावारिस बैग से 108 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई। उक्त शराब की कुल कीमत 9,180 रुपए आंकी गई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री व पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है और इसीलिए वह अब किसानों के हितों के कानून का भी विरोध कर आंदोलन को भड़काने का काम कर रही है। सोमवार की दोपहर सतरंजीपुरा जोन अंतर्गत शांतिनगर घाट के पास उस समय साप्ताहिक बाजार पर प्रवर्तन विभाग की गाज गिरी, जब कई बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने फुटपाथ और सड़कों पर कब्जा जमा लिया। बताया जाता है कि शांतिनगर घाट के पास भले ही हर सोमवार को बाजार लगाया जाता हो, किंतु मनपा की ओर से इसे अधिकृत मान्यता नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर धड़ल्ले से हो रही जानलेवा हथियारों की बिक्री पर अब शहर पुलिस ने रोक लगा दी है। घरेलू और कृषि उपयोग के हथियारों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नियमानुसार अब कंपनियां 9 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई से बड़े हथियार नहीं बेच पाएगी। इमामवाड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने विष प्राशन कर आत्महत्या कर ली। मृतक पाचनल चौक रामबाग निवासी नंदू नथू नाइक बताए गए। नंदू ने शनिवार की दोपहर 2 बजे के दौरान अपने घर में विष प्राशन कर लिया। उन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया। सोमवार तड़के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रशासन के अनुमति के बाद सोमवार से जिले में 9वीं से 12वीं तक स्कूलें शुरू हो गई। सिटी से लगे ग्रामीण भागों में कुछ ही स्कूलें शुरू हुई। पहला दिन होने से उपस्थिति भी बेहद कम थी, वहीं पालकों ने ही बच्चों को लाकर छोड़ा। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। 3 जनवरी से सभी स्कूलें शुरू हो जाएगी। कोरोना के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए किए जा रहे तमाम उपायों में विशेष रूप से मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया गया, जिसमें मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मनपा ने NDS को कार्रवाई की जिम्मेदारी भी सौंपी। अब 24 मीटर तक की इमारतों के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम और फायर NOC की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने सभी भवनों की ऊंचाई को 15 से बढ़ाकर 24 मीटर तक कर दिया है। यह केवल रहवासी इमारतों के लिए लागू किया गया है। गैर आवासीय संरचनाओं के लिए मानक को मौजूदा 150 वर्ग मीटर से निर्मित क्षेत्र से 500 वर्ग मीटर तक संशोधित किया गया है। भाजपा के चुनावी एजेंडे के अनुसार भले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से प्रन्यास को बर्खास्त करने की घोषणा की गई हो, किंतु प्रन्यास में भाजपा द्वारा भेजे गए विश्वस्त मंडल के सदस्यों की ओर से प्रक्रिया चलने का ही हवाला दिया जाता रहा है। अब नागपुर सुधार प्रन्यास अधिनियम 1936 की धारा 04 के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले की ओर से विधायक विकास ठाकरे को नाम निर्देशित किया गया है।